हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 20 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं। इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे, रीजनिंग, मैथ, साइंस, सब कुछ। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा और हो सके तो लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा। जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है और आगे भी चाहता है कि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? दिलीप बाबा साहेब भोसले इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है। हिमा दास ने कौन सा मेडल जीता था? तो इनका अगर आया होगा तो गोल्ड मेडल ही आया होगा, मतलब ऑप्शन में होगा तो गोल्ड मेडल जीता था। बट इन्होंने जकार्ता में जो एशियन गेम हुए थे 2018 में, इन्हें दो मेडल और भी जीते थे, ठीक है? जो गोल्ड जीता था 400x400 मीटर वाली में वुमेन्स में जीता था इन्होंने गोल्ड मेडल, ठीक है? और जो एशियन गेम हुए थे जकार्ता में, इसमें इन्होंने मिक्स में भी जीता था सिल्वर मेडल और 400 में भी जीता था सिल्वर मेडल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? एक क्वेश्चन था आपका, सबसे बड़ा अंग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था लीवर। तो आपने क्या, बहुत बच्चों ने कमेंट किया और बोला कि ये गलत है, तो आपको देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। अगर स्किन दिया तो स्किन लगा देंगे, लीवर दिया तो लीवर लगा देंगे, ठीक है? तो ये गलत नहीं है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है बिगेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो आपको लीवर ही लगाना होता है। अगर यहाँ पे लीवर ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद जब आपको स्किन लगाना होता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका, प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो ये मुल्डन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? एक्सेलरेशन यूनिट, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विराट कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एटम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो डाल्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई? मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg होता है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है कई बार। देखिए, कुछ टॉपिक और कुछ क्वेश्चन तो रिपीट होते ही जा रहे हैं, तो इनका ध्यान रखिए, ठीक है? यहाँ पे एक परमाणु मूवी के डायरेक्टर कौन है? अभिषेक शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बॉडी में पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइक्रोकोंडिया, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या यहाँ पे पूछी गई है, तो ये पहले भी आ चुका है, 12 होती है, ठीक है? बाहुबली मूवी में देवसेना का किरदार किसने निभाया था? अनुष्का शेट्टी ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? प्लाज्मा के अंदर पानी की मात्रा कितनी होती है? 90-92% तक होती है, ठीक है? और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है लिंक टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसकी PDF मैं अभी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? पैडमैन मूवी किसके ऊपर थी? सैनिटरी पैड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन का ग्लांग पॉइंट कितना होता है? तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, ये देखिए आपको ध्यान रखना है, 3000 से 3500 के बीच में जो भी दिया होगा, बट एक्चुअल में जो पूरा एग्जैक्ट है इसका 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अलग अलग बताते हैं बहुत सारे, ठीक है भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, राशिद खान IPL में किस टीम से खेले हैं? ये आपका हो जाएगा सनराइजर हैदराबाद, राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी। दूती चंद ने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर, राइट आंसर हो जाएगा, 100 और 200 मीटर में, ठीक है? फर्टिलाइजर कहाँ पर होता है? ये होता है आपका फलोपियन ट्यूब में, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? भ्रूण भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? प्लेजेंटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई? सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100वीं सेंचुरी किस देश के अगेंस्ट बनाई थी, यानी कि किस देश की टीम के खिलाफ बनाई थी? ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा। और ये कहाँ पर बनाई थी? ढाका में, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है? ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई? यहाँ पे यूपी के गवर्नर पूछे गए, यूपी के गवर्नर कौन है? राम नाईक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा के गवर्नर भी पूछे गए हैं, तो कप्तान सिंह सोलंकी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अष्टांग सिद्धांत किसने दिया था? न्यूलैंड्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब टॉपिक रिपीट है, ये कल भी था आपका आंसर, थोड़ा बहुत अलग सा चेंज करके दे दिया जाता है, ठीक है? मेल हार्मोन कौन सा होता है? तो ये आपका टेस्ट्रोन एंड एंड्रोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेशनल वुमेन कमीशन की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में फ्लोएम का क्या इस्तेमाल होता है? तो भोजन का ट्रांसपोर्टेशन, जो भोजन बनाते हैं पौधे उसका पूरे पौधे में, मतलब जो होता है ट्रांसपोर्टेशन, वो करता है, ठीक है? गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? एक था आपका, उत्तल लेंस कहाँ पर उपयोग होता है? तो ये आपका ऑप्शन देख कर ही पता चल सकता था, ठीक है? इसका
कैपिटल ऑफ हंगरी, तो बुदापेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए कुछ मतलब आपका किसी न किसी तरीके से एक कैपिटल जरूर आ रही है किसी न किसी शिफ्ट में, तो एक बार जरूर देख लीजिए मेन मेन, मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ। और आपका जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, और आपका हो गया जो भी मतलब मिनिस्ट्री होगी, इनसे आपके क्वेश्चंस बनते ही जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है एक क्वेश्चन, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, तो ये कौन सा लॉ है आपका, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ये पूछा गया था। और एक मतलब किसी दूसरे रीजन में ये भी पूछा गया था कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो ये न्यूटन के द्वारा दिया गया है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला, ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, इसका हो जाएगा राइट आंसर। पौधे में पानी का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो देखिए एक ही मतलब वही आपका पूछ लिया जा रहा है, मतलब थोड़ा सा चेंज करके, तो जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी यहाँ पे पूछा जा रहा है हर बार, तो क्या हो जाएगा 6673 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम, तो ये हो जाएगा आपका साइलोजियम, राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम पड़ रही है, तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट कमेंट कर रहे हैं कि जिन्होंने टेस्ट खरीदे थे, उन जिन्होंने टेस्ट लगा लिए और जिनका एग्जाम भी हो चुका है, कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके टेस्ट से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपके पास 5 से 6 दिन भी है तो इस टेस्ट को जरूर खरीद लीजिए, 30 टेस्ट है, लगा के जाइएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड बन जाएगी। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 149 रुपीज़ प्राइस इसका, और इसमें 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप ये कोड भरते हैं Saurabh SPL। ठीक है, इस कोड से आपको 20% का यानी कि 120 रुपये में आपको पड़ गया, तो कुछ नहीं है दोस्त, ज़्यादा मतलब अमाउंट नहीं है, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं और बहुत मतलब बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए अगर आप 30 के 30 टेस्ट लगा लेते हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और आपकी स्पीड भी बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं मैथ की, तो आपका बोर्ड मास हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मतलब कि चैप्टर तो आपके फिक्स हो रखे हैं, चैप्टर चेंज भी क्या होंगे, वही चैप्टर है, कोई भी नया चेंज नहीं हो रहा है, बस एक दो शिफ्ट में कभी कभी आपका जो चेंज होने को दिखता है वो दिखता है आपका बोटेनी स्ट्रीम वाला चैप्टर, कभी कभी पूछा जाता है, तो उसको भी आप देख लीजिए, ये नहीं पता किसी शिफ्ट में पूछ लीजिए और किस में ना पूछे जाए। ठीक है, मेंसुरेशन हो गया, HCF LCM हो गया आपका, एज हो गया, CISI हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, ये कुछ है आपके चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 साल का आपको क्या निकालना था, सॉरी यहाँ पे निकालना था आपका अमाउंट, यानी कि आपको मिश्रधन निकालना था, तो बहुत ही सिंपल है, प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 375 दे रखी थी, आर था आपका 8% और टाइम था 4 साल का, आपको क्या निकालना था, अमाउंट निकालना था, यानी कि मिश्रधन आपको यहाँ पे निकालना था, तो ये आप निकाल सकते बहुत ही आसानी से। देखिए मिश्रधन का मतलब होता है जिसमें आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, उसको बोलते हैं अमाउंट या फिर मिश्रधन। ठीक है, तो आप ये सिंपल इंटरेस्ट में सीधा सीधा आप कर सकते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो 100% होगी। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है, आर जो होगा आपका 4 साल में कितना लग जाएगा, 32% हो जाएगा, यानी कि आपको ये 100% की जो वैल्यू है इसको आपको 132% की बनाना है, क्योंकि इसमें 32% आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड करना है, सीधी सीधी सी बात ही है। तो अगर आप इसमें 32% का इंटरेस्ट इंक्लूड करेंगे तो 100 की वैल्यू को हमें 132% की बनाना है, तो कैसे बनाएंगे भाई, बहुत ही सिंपल है ना, यहाँ पे 375 को आप 100 से भाग कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 332 से, आपका 495 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप उसी फॉर्मूले से सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लीजिए, P × R × T / 100 करके सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लीजिए, जो भी इंटरेस्ट आएगा फिर उसको 375 में प्लस कर दीजिए, उसके बाद भी आपका यही आंसर आएगा। ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाता है, वो थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए आपका हर बार पूछा जा रहा है, मतलब कि अल्टरनेटिव डेज पे, या तो आपका टाइम एंड वर्क में पूछ लिया जाएगा, या फिर अल्टरनेटिव पाइप वाला, पाइप टंकी वाला पूछ लिया जाएगा कि अल्टरनेटिवली वर्क करें तो कितनी देर में भरेंगे, तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आपका वो नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, बट इस टाइप का क्वेश्चन था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें पहले ए प्रारंभ करें तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा आपको क्या करना है, सबसे पहले ए 12 दिन में कर लेता है, बी 18 दिन में कर लेता है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 36, यहाँ से इनका एक एक दिन का वर्क निकाल लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो 3 आ जाएगा, और 36 को 18 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि ए जो है एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है, बी जो है वो एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है,
ठीक है, ये तीन और ये दो दोनों को मिला दे अगर, तो एक दिन में 5 यूनिट वर्क कर सकते हैं। बट इनसे बारी बारी वर्क करा जा रहा है, यानी कि सबसे पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। तो एक काम को जो एक दिन में कर सकते थे, अभी उसी काम को करने में इनको 2 दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये 5 यूनिट वर्क जो है आपको, ये इसको करने में कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। तो आपको क्या करना है, इस 5 का पाड़ा, एक इस 5 का टेबल ऐसा पढ़ना है जो 36 से कम रहे, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक कम रहे बट कम रहना चाहिए। ठीक है, तो 5×7=35, ठीक है, एक कम रह गया तो एक आपने लिख लिया, इसको तो अभी रखते हैं रिमेनिंग में ही। ठीक है, यहाँ पे जो 7 ये आया है, आपने क्या पढ़ा, 5×7=35, तो आपने 7 जो 5 का पाड़ा पढ़ा है, जो टेबल पढ़ा है, वो डायरेक्ट पढ़ दिया। बट ये जो है, ये कितने दिन का वर्क है भाई, 5 यूनिट, ये 2 दिन का वर्क है। तो इस 7 को भी हमें डबल करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो है ये तो आ गया 1 डे, मतलब अगर 5 यूनिट वर्क ये रोज करते रहें तो ये हो जाएगा 7 दिन में कंप्लीट। बट इसको हमें डबल कराना है, तो 2 की मल्टीप्लाई करके 14 डेज तो आपके ये कंप्लीट हो गया, यानी कि 14 दिन में तो आपके 35 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। अब बचा कितना, 1 यूनिट वर्क। 1 यूनिट वर्क को करने कौन आएगा, जिसने काम को स्टार्ट किया था वही करने आएगा। तो करने स्टार्ट किसने किया था, ये ने, तो 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल आंसर, 14/1/3 डेज में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है अल्टरनेटिव डेज में, कल थर्ड शिफ्ट में भी आया था बट वो पाइप टंकी वाला था, आज आपका ये है, तो अल्टरनेटिव डेज वाला आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पेपर का अगर लेवल देखा जाए तो थोड़ा ठीक ही आ रहा है, टाइम मतलब ज़्यादा लग रहा है, तो कैसे भी करिए, चाहे टेस्ट सीरीज कहीं से भी परचेज करिए, बट टेस्ट लगा के जाइए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक आपका HCF निकालना था, 306, 204 और 136 का। तो कैसे निकालेंगे भाई, जैसे आप LCM निकालते हैं, ठीक है, LCM तो मैंने आपको कई ट्रिक बता रखी है, बट इसी तरीके से आप LCM निकालते हैं, तो इसी तरीके से आप HCF भी निकाल सकते हैं। 306, 204 और 136 को आपको लिखना है। ठीक है, इसको आप 2 से डिवाइड करिए सबसे पहले, तो ये सब डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार आएगा, 153, 102, 168 आपका। ठीक है, फिर ये देखिए किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, अगर ये किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो जहां तक आपका डिवाइड हो चुके हैं वही आपका HCF हो जाएगा। बट ये 17 से डिवाइड हो रहे हैं सारे के सारे, तो ये 964 हो जाएगा। अब ये 964 किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, तो आपका यही 17×2=34 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, और HCF का इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। एक था आपका फादर और सन की एज का अंतर दे रखा था 30 साल। ठीक है, 7 साल बाद फादर की एज सन की एज का 2 पॉइंट यानी कि 2.5 गुना हो गई, तो बताओ सन की परसेंटेज क्या है। तो आपने क्या लिखा, फादर और सन। ठीक है, फादर की एज जो है वो 7 साल बाद, तो प्लस आपने 7 लिख लिया, 7 साल बाद 2.5 गुना हो गई, यानी कि सन की एज अगर 1 होगी तो फादर की कितनी हो जाएगी, 2.5, 2.5 गुना हो गई। अगर मैं इसको रेशो में बदलने की कोशिश करूँ तो कैसे बदलूंगा भाई, यहाँ पे 2.5 है तो इसको डबल कर दूंगा, तो इसको भी डबल कर देंगे। ठीक है, तो ये 5:5:2 का रेशो आ गया फादर और सन का। कब का ये, 7 साल बाद का रेशो है भाई, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनके बीच का एज का जो अंतर दे रखा है वो 30 साल का दे रखा है। अब एज का अंतर चेंज थोड़ी होगा, चाहे 7 साल पूछे चाहे 60 साल पूछे, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर वैसे कितना है, 3 है, और ये मतलब रेशियो में तो 3 है बट एक्चुअल में 30 ईयर का है। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 30, तो 1 बराबर कितना हो गया, 10 आपका। ठीक है, तो 1 इक्वल अगर 10 है तो क्या पूछा है, तो यहाँ पे सन की प्रेजेंट एज पूछी है। तो सन की प्रेजेंट एज निकालने के लिए सन के रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1 बराबर 10 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये 20 ईयर जो आई है ये 7 साल बाद वाली एज आई है, तो इसमें से 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 13 ईयर, ये आपकी प्रेजेंट एज आ जाएगी सन की। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन एक दो उसको भी देख लेते हैं। रीजनिंग के पहले चैप्टर देख लीजिए, क्लोक, कैलेंडर, स्टेटमेंट, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिलोगिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो काउंटिंग फिगर से भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, सीरीज और मिरर इमेज से भी आपके क्वेश्चन है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, ये सारे चैप्टर मतलब इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो आपका कैलेंडर का था क्वेश्चन वो तो मिल गया है, यहाँ पे बोला गया था कि 26 जनवरी 2018 को सैटरडे है, तो 26 जनवरी 2019 को क्या होगा। तो आपको क्या करना है भाई, देखिए यहाँ पे जो 2018 है क्या है, लीप ईयर तो नहीं है, तो जनरल ईयर है। जनरल ईयर में हम क्या करते हैं कि 26 जनवरी 2018 को अगर सैटरडे है तो 26 जनवरी 2019 को नेक्स्ट ईयर में क्या कर देते हैं, हम एक दिन बढ़ा देते हैं, तो सैटरडे से आपको संडे कर देना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो सिंपल है सारे। एक था आपका काउंटिंग फिगर से, ये क्वेश्चन था कि काउंटिंग फिगर में आपको क्या करना था, 4 × 2 यानी सॉरी ये आपको काउंटिंग फिगर में ये दे रखा था, इसमें पूछा था नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताइए आपको, तो आपको क्या करना है 1, 2, 3, 4 करना है और 4 की 2 में कर देनी है, ठीक है। अगर इसमें एक और ऐड कर दिया जाए उसमें भी इस तरीके से दे रखो, तो उसमें भी आपको 1, 2, 3, 4, बस उसमें 2 और एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, ये वाले जो ये 2 होते हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये भी आपको ऐड कर देना है, तो उसमें कितना हो जाता है 16 और 2 18, तो उसमें 18 हो जाते हैं। अगर ऐसे एक और आ जाए तो उसके 2 और आपको ऐड कर देने हैं, तो इसी तरीके से कई क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों, मैथ के सारे क्वेश्चंस और रीजनिंग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनअकैडमी पे अपलोड कर रहा हूँ लगातार, तो वहाँ पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, ठीक है, सौरभ मलिक सर्च करके फॉलो भी कर लीजिएगा, और बहुत सारे जो मैंने कोर्सेज अपलोड किए हैं एक एक वीडियो देख लेना, क्योंकि पता नहीं है किस वीडियो में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं देख सकते हैं आप जाके। एक तो रेलवे का बिल्कुल सेपरेट मैंने क्रैश कोर्स बना रखा है जो मैथ का, ठीक है, एक रीजनिंग का भी है, तो दोनों को देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। और पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ लेने के लिए सिर्फ एक ही आपका जो समाधान है हमारे पास, वो है कि टेलीग्राम, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डेली मैं वहाँ लगातार पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, सुबह भी की है, हर टाइम पर आपको वहाँ पर पीडीएफ मिलती रहेगी, तो हर एक पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपने लाइक भी कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी आपकी 2 बजे के बाद सेकंड शिफ्ट का फुल एनालिसिस मिल जाएगा। शाम को जो एक वीडियो आती है आपकी 9 से 10 को, उसको बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पूरे दिन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे कलेक्ट करके मैं उसमें डाल देता हूँ, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी जरूर देख लिया करें। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।